अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी कॉर्न पकोड़ा की रेसिपी। बनाने में बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मुंबई के स्ट्रीट स्टाइल बनती है, ज़बरदस्त क्रिस्पी बनकर रेडी हो जाती है। इसे आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने दो स्वीट कॉर्न यानी भुट्टा लिया है, उसके हमने दाने यानी कि कर्नल्स निकाल लिए हैं। इसमें से आधा हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे और आधा अखे रहने देंगे। अब इसमें हम एक प्याज चॉप करके डाल देंगे, साथ ही हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च क्रश्ड, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और हम आधे नींबू का जूस डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छा खट्टा चटपटा बने, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फ्रेश हरे धनिये के पत्ते हम काट के डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। 4 टेबलस्पून चने का आटा हम ऐड करेंगे, साथ ही हम डालेंगे 4 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा डालने से ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। हमें इसमें पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि हमने कॉर्न को पीस लिया है, ग्राइंड किया था, तो मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है, पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम चेक करेंगे, अगर हमें आटा कम लगे तो हम चने का आटा और डाल देंगे। मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून चने का आटा और ऐड किया है, मतलब 8 टेबलस्पून टोटल चने का आटा हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जिससे हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल अच्छा परफेक्ट बनता है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा जो बैटर है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे अब हमें फ्राई करना है। मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे फ्राई कर लेंगे। पकोड़े अंदर डालने के बाद हम गैस की फ्लेम स्लो करेंगे और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं कॉर्न पकोड़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बस इस तरीके के गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी पकोड़े हमें चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और बिल्कुल आसान पकोड़े बनकर रेडी होते हैं। हम चटनी, केचप किसी के भी साथ खा सकते हैं। इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।